हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है पास्ता, और मैं इसको बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ये शिमला मिर्च। ये तीन तरह के शिमला मिर्च मैंने लिए हुए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है ये अदरक, लहसुन, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। और ये मैंने फाइनली चॉप किया हुआ अनियन और गार्लिक है। और ये पास्ता है जो मैंने ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं पास्ता। तो अभी तेल प्रॉपर गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने ये कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और लहसुन। मिला लें अच्छे से। यहाँ पे हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस जस्ट को थोड़ा सा ही भूनना है कुछ 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कटी हुई शिमला मिर्च। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ये तीनों तरह की शिमला मिर्च। और अगर आपके पास कोई और सब्जी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैं वही ऐडती हूँ। बस अब इसे पकने देंगे थोड़ा कुछ 2 मिनट के लिए। ज़्यादा ओवर कुक ना करें सब्जी को, अदरवाइज में जो स्ट्रेंथ में होता है वो चला जाता है। तो अभी ये हल्के से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ये टमाटो प्यूरी कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अपने मसाले भी ऐड कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा नमक, नमक हमने पास्ता को बॉईल करते टाइम भी डाला है, तो थोड़ा ध्यान से भी डालें। और ये थोड़ी सी मैं कसूरी मिर्च कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। हल्का सा धनिया, और यहाँ पर मेरे पास ये सीजनिंग है इसकी, और ये है इटालियन सीजनिंग, तो इसको भी मैं ऐड करूँगी। थोड़ा हर्ब्स डालने से पिज्ज़ा का टेस्ट एनहांस हो जाता है। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ये टमाटो केचप। ये है रेड चिली सॉस, तो भी ऐड करते हैं, सॉरी ग्रीन चिली सॉस। और यहाँ पर मेरे पास है ये ग्रीन चिली सॉस, टॉप्स का है ये, इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ही करें। और साथ में डाल रही हूँ मैं ये सेजवान चटनी। अगर आप ये पास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली और ये सब सॉस थोड़ा कम डालें, पर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच डाला है मैंने। हम मिक्स कर देंगे और सॉस को पकने देंगे कुछ 2-3 मिनट के लिए। सॉस ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये अपने बॉइल पास्ता। मिक्स कर दें।
इन्हें हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाएंगे और एकदम हमारे पास्ता रेडी। तो जब तक मेरा पास्ता रेडी होता है आप इंजॉय कीजिए यहाँ का वेदर। और आपको दिख रहा है आज काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है और ये शाम का टाइम है तो लोग ऑफिस से आ रहे हैं इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है इस रोड पे। कुछ लोग वॉक भी कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं उनको भी। ये मेरे विंडो से बाहर का व्यू है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको यहाँ का वेदर। और देखिए इतनी ठंड में भी लोग वॉक कर रहे हैं। तो बस पास्ता हमारे बन चुके हैं। गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इन्हें गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ में। और देखिए लाजवाब पास्ता रेडी है। तो हमारी फाइनली रेसिपी बन के तैयार है। आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी सच में बहुत यम्मी बना है। तो बस यहीं तक का था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।